प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं और हम सब सरकार बनाए। अध्यक्ष जी एक सवाल और है, आप मुलायम सिंह यादव से मिलने गए थे लेकिन सपा की तरफ से ये रूमर क्रिएट किया गया कि आपको ऑफर मिला, नेताजी ने जो है ऑफर दिया कि आप जो है समाजवादी में आ जाइए और भाजपा में जो है कहीं ना कहीं जो स्थान आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अखिलेश यादव ने भी काफी ट्वीट को रिट्वीट किया था। 31 तारीख को आदरणीय कल्याण सिंह जी का श्रद्धांजलि सभा था लखनऊ में, मैं लगभग 30-40 पार्टियों से मिला पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते, उसमें आदरणीय मुलायम सिंह जी से मिला, नेताजी से, उनसे भी आग्रह किया लेकिन उनका स्वास्थ्य ऐसा नहीं था। बहन जी से मैं आग्रह किया तो सतीश मिश्रा जी को भी, सतीश मिश्रा जी श्रद्धांजलि सभा में आए थे, बाकी भी सभी लोग आए। ये तो सपा का एक बौखलाहट है, पागलपन का, पागलपन नहीं होता है। चाहते हैं कि हमारे पिताजी से कोई मिले ना, बंद कमरे में करेंगे क्या? क्या ऑफर आपको सही सही मिला था क्या अध्यक्ष जी ऑफर आपको सही सही मिला था क्या? मुलायम सिंह ने ये कहा था क्या? जो लोग हमसे मिलते हैं वो बीजेपी में हो जाते हैं। नहीं, किस तरीके का 30 साल से जो मिलते हैं, ऑफर की बात सही है या गलत है? जो हमसे मिलता है वो अध्यक्ष जी, एक बार संविधान सभा में गया था, श्रद्धांजलि सभा के आमंत्रित करने के लिए गया था, जो मेरे साथ जुड़ते हैं 30 साल से वो बीजेपी में हो जाते हैं। तो ऑफर की बात, नेताजी भी राधे राधे का पटका पहने, नेताजी भी सपा का टोपी नहीं लगाए, टोपी रखा था लेकिन नेताजी सपा की टोपी नहीं निकाले, राधे राधे का पटका ही पहने।